दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब जगहें हैं जिनकी अक्सर चर्चा होती रहती है। आपने कब्रिस्तान में इंसान की कब्र के ऊपर लगे टॉम्बस्टोन देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पेड़ों की लाशें देखी हैं? दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां पेड़ों के अवशेष को देखकर लगता है कि वो किसी का शव हो। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ हर तरफ पेड़ों की लाशें मिलेंगी। लोग इसे भूतिया जंगल के नाम से जानने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अमेरिका में कई जंगल भूतिया बनते जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना और मैसाचुसेट्स में खास तौर पर ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है जिससे कई शहरों के डूबने का खतरा है। इस तरह समुद्र के किनारे स्थित जंगल भी कब्रिस्तान में बदल रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो समुद्र का जलस्तर 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से जंगलों में खारा पानी भर रहा है और पेड़ सूखते जा रहे हैं। वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस के इकोलॉजिस्ट मैथ्यू किरवान का कहना है कि पूर्वी तट पर ऐसे भूतिया जंगल अधिक नजर आ रहे हैं, ये साल 15 फीट बढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि जंगलों में समुद्र का खारा पानी और नमक जाने से पेड़ सूख जाते हैं। पेड़ों के सूखने के बाद उनका ऊपरी हिस्सा नजर आता है जैसे किसी कब्रिस्तान में टॉम्बस्टोन दिखते हैं। इकोलॉजिस्ट का मानना है कि लोग सिर्फ शहरों और जमीनों के डूबने के बारे में सोच रहे हैं, बर्बाद हो रहे जंगलों पर किसी का ध्यान नहीं है। फिलहाल हजारों एकड़ जंगल खत्म होते जा रहे हैं और ना ही इसका कोई उपाय है। इसके अलावा तूफानों और सुनामी के कारण जंगलों में खारा पानी जाता है जिसे हरे भरे पेड़ लाश में बदल रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी भी उम्मीद है। वन विशेषज्ञों का मानना है कि खारा पानी से दूर पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए क्योंकि तभी फिर जंगल बन पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही भूतिया जंगल बन जाएंगे और पर्यावरण के लिए खतरा साबित होंगे। भूतिया जंगल के पीछे इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसको सुधारा जा सकता है।